दुबई दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग शहरों में से एक रहा है। इस हालिया विकास का मुख्य कारण ये है कि सरकार ने एक जागरूक कदम उठाते हुए दुबई को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी की तरफ रुख कर लिया है। दुबई के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से नए कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने इसे दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बना दिया है। आज इनका रेवेन्यू तेल के एक्सपोर्ट से कम और टूरिज्म से ज्यादा आता है। यह वाकई में देश की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव है, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि तेल तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है। दुबई और इसकी कई फ्यूचरिस्टिक्स और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स बदलती अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आइए आज के इस वीडियो में दुबई के कुछ ऐसे ही अद्भुत बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अलादीन सिटी। दुबई में जगह भी है और पैसा भी, इसीलिए यहाँ समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसा बनता रहता है जो चर्चा का विषय बन जाता है, साथ ही पर्यटकों के साथ अन्य लोगों के आकर्षण का विषय भी बन जाता है। यहाँ सपनों की दुनिया बनाई जाती है। सुना है अब दुबई में इसी की तर्ज पर एक अलादीन सिटी बनाई जा रही है। अलादीन सिटी एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि टूरिस्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। यह आइकॉनिक प्रोजेक्ट अरेबियन नाइट्स की पौराणिक कहानियों के अलादीन, सिंधबाद और अलीबाबा से प्रेरित है। डेवलपर्स ने इस प्रोजेक्ट को दुबई क्रीक में बनाने की योजना बनाई है, जो कि दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास है। अलादीन सिटी की यह अनोखी लैंप शेड टावर प्रोजेक्ट अलादीन के चिराग के डिजाइन की तरह है, या फिर दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह तीन टावर्स तीन इच्छाओं के रूप में हैं, जो कि अलादीन को चिराग से जिन्न को बाहर निकालने पर ही मिली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई कला देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी सुंदरता और शहर की अद्भुतता को दर्शाने के लिए कई जगहों पर टावरों को सोने की परतों से ढक दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि खुद इन टावरों में होगा क्या। अलादीन सिटी में तीन टावर होंगे जो ग्लास ब्रिज के माध्यम से जुड़े होंगे, जो कि कवर्ड और एयर कंडीशनड होंगे। तीनों टावर 33, 24 और 25 मंजिला ऊंचाई तक के होंगे, जिनमें 900 से 1000 कारों के लिए पार्किंग के साथ ऑफिसेज और होटल्स आदि शामिल होंगे। यह प्रोजेक्ट मेन हार्ट वर्ल्ड वाइड ग्रुप पूरा करेगा। यह कंपनी दुनिया भर में ऐसी बिल्डिंग्स बनाने के लिए ही मशहूर है। प्रोजेक्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 110,000 स्क्वायर मीटर होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट की लागत $15 बिलियन बताई जा रही है, लेकिन कंप्लीट होने की डेट अभी तक सामने नहीं आई है। अंडरवाटर रेल नेटवर्क। दुबई दुनिया में इनोवेशन और बेंचमार्क सेट करने वाला देश माना जाता है। हाइपरलूप और ड्राइवरलेस ट्रेन चलाने के बाद दुबई का एक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है अंडरवाटर रेल नेटवर्क सिस्टम। यूएई एक बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर नहीं बल्कि पानी में उतारने की तैयारी कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इससे भारत को भी फायदा होगा। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही मुंबई से दुबई के बीच ट्रेन चलाई जा सकती है, वह भी पानी के अंदर। इसकी जानकारी दुबई के खलीज टाइम्स के जरिए सामने आई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बहुत सरल है कि लोग आसानी से कहीं भी आ और जा सके। निकट भविष्य में अंडरवाटर रेल नेटवर्क के द्वारा फुजैरा शहर से भारत के मुंबई शहर तक आसानी से सफर कर सकेंगे। समुद्र के नीचे सफर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इन दिनों देशों को अरब सागर से होते हुए 1100 मील की दूरी तय करनी होगी, लेकिन यह काम करना चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच दूरियां कम हो जाएंगी, और साथ ही रेल प्रणाली का उद्देश्य यात्रियों के लिए केवल नहीं है बल्कि राष्ट्रों के बीच आयात और निर्यात के लिए भी होगा। इस प्रकार उन दोनों देशों के बीच संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। अब बात आती है कि यह ट्रेन कैसे चलेगी। तो यह 1200 मील की रफ्तार वाली हाई स्पीड ट्रेन मैग्नेटिक रिपल्शन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर चलाई जाएंगी, जो कि वह साइंस टेक्नोलॉजी है जिस पर यह हाई स्पीड ट्रेनें वर्तमान में चीन और जापान में चल रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे कई देशों में भी इस टेक्नोलॉजी से रेल प्रणाली शुरू करने की योजना चल रही है। दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम को यह नाम उसके आकार के कारण मिला है।
इसका आकार किसी तस्वीर के फ्रेम के जैसा है। देखने में लगता है कि एक विशाल फ्रेम दुबई के बीचों बीच खड़ा है। फ्रेम में एक तरफ पुराना और दूसरी तरफ नया दुबई बसा हुआ है। कह सकते हैं कि फ्रेम के एक तरफ से दुबई तो दूसरी तरफ से पुरानी दुबई की तस्वीरें दिखाई देती हैं। असल में यह अभी तक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम है। हालांकि यह बिगेस्ट स्टोलन बिल्डिंग ऑफ ऑल टाइम के रूप में भी विवादास्पद है। दुबई फ्रेम लगभग 500 फीट ऊंचा है और 313 फीट चौड़ा है। ग्लास, स्टील और एल्युमिनियम और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना हुआ है। यह जबील पार्क के स्टार गेट के पास है। फ्रेम जनवरी 2018 में खुल गया था। लिफ्ट से ऊपर जाकर आप यहां दोनों खंभों को जोड़ने वाले ब्रिज या कहें कि स्काई डेक पे घूम सकते हैं। इतनी ऊंचाई से दुबई के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। लिफ्ट से बाहर जाने पर ब्रिज के दाईं तरफ नई दुबई है, जिसकी नुमाइंदगी करता बुर्ज खलीफा आपको दिखाई देता है। इस तरफ अगर नजर डालते हैं तो ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। शहर के चौड़े हाईवे और तेज दौड़ती गाड़ियां दिखाई देती हैं। फ्रेम के बाईं या उत्तर दिशा की तरफ आपको पुराने दुबई का इलाका दिखाई देता है। यह बर और देरा का इलाका है, जहां छोटी छोटी इमारतें हैं और पुराने शहर की बसावट नजर आती है। चलिए अब जानते हैं दुबई फ्रेम के सिक्के का दूसरा पहलू, इसके बिगेस्ट स्टोलन बिल्डिंग ऑफ ऑल टाइम होने के पीछे की कहानी ये है। तेल के व्यापार के कारण दुबई सबसे अधिक लाभदायक शहरों में से एक था, लेकिन वे इस कॉन्सेप्ट को टूरिज्म और एंटरटेनमेंट में बदलना चाहते थे। वे इस बदलाव को प्रमोट करने के लिए एक प्रतीक चिन्ह बनाना चाहते थे। इसके लिए साल 2009 में दुनिया भर के लोगों को प्रपोजल भेजा गया कि उन्हें एक ऐसा प्रतीक चिन्ह चाहिए जो कि द न्यू फेस ऑफ दुबई, यानी कि दुबई के नए चेहरे को प्रमोट करे। और यह फ्रेम वाला डिजाइन उस प्रतियोगिता में शामिल 926 प्रपोजल्स में से चुने गए डिजाइन का ही परिणाम है। प्रतियोगिता में दुबई फ्रेम को विजेता के रूप में चुना गया था। यह आइडिया फर्नांडो डेनिस की तरफ से आया था। समस्या यह थी कि डेनिस ने प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन उन्हें डिजाइन के लिए ना तो आधिकारिक क्रेडिट मिला और ना ही $1,00,000 का पुरस्कार राशि। इसके लिए डोनिस ने अमेरिकी अदालत में दुबई म्यूनिसिपैलिटी और थीनेस ग्रुप अंडरवाटर कंपनी के खिलाफ मुकदमा डाल दिया। इस प्रकार दुबई फ्रेम अब तक की बिगेस्ट स्टोलन बिल्डिंग ऑफ ऑल टाइम के रूप में भी विवादास्पद रही है। क्रिक टावर। वर्तमान में दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत लगभग 2,700 फीट ऊंची है। आमतौर पर इस टाइटल को धारण करने वाले राष्ट्र के लिए सबसे गर्व वाली बात है, और चलो ऐसा कुछ समय के लिए ठीक भी है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ऐसा आइडल नहीं रहना चाहता, और यही कारण है कि वह अपने ही कीर्तिमान को तोड़ने के लिए क्रिक टावर बनाकर, अभी के वर्तमान रिकॉर्ड को तोड़कर और सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाकर दुनिया में टॉप पोजीशन पर रहना चाहता है। इस अद्भुत और प्रभावशाली टावर पर काम शुरू हो भी चुका है और जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो यह टावर पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ, बोले तो लाइट हाउस की तरह प्रकाश की किरण उत्सर्जित करेगा। इसके टावर के टॉप पर 10 ऑब्जर्वेशन डेक भी होंगे, जो पूरे दुबई का अद्भुत नजारा देंगे, और आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह शायद टावर एक ऊपर तक बुटिक होटल या दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद भी हो सकती है, जो कि शायद लोगों को लेट नमाज अदा करने में मदद करेगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सूरज देर से ही ढलता है। यकीनन आप लोगों ने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा। आगे इस वीडियो का पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रकृति की सुंदरता हम मनुष्य को अनंत काल से ही आकर्षित तो करती आई है, साथ ही हमें मंत्रमुग्ध भी कर देती है। ऐसा लगता है मानो इस प्रकृति की गोद में हम यूं ही सिमट जाएं। परंतु अगर कृत्रिम यानी नकली तरीके से सुंदरता भी हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो समझ जाइएगा कि कलाकार के पास भगवान तुल्य गुण हैं। क्योंकि इंसान को रिझाना कोई आसान काम नहीं है, और कृत्रिम तौर पर ही अनोखा गुण हमें वियतनाम के गोल्डन ब्रिज के तौर पर साफ साफ नजर आता है, जिसे आप अगर एक बार भी देख लें तो आपका दिल वहीं ठहर सा जाएगा, और आप इसे देखने बार बार यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एक बार में यहाँ का नजारा हम अपनी आंखों में बसा ही नहीं सकते। यूं तो वियतनाम में सैकड़ों प्राकृतिक जगहें हैं,
जहाँ की सुंदरता हर किसी को अपने देश घूमने के लिए आमंत्रित करती है, और इस बार इसमें एक नई जगह भी जुड़ गई है। इसकी सुंदरता से प्रकृति की सुंदरता और भी ज्यादा निखर गई है। यह चीज है वियतनाम के गोल्डन ब्रिज की, जो अपनी खूबसूरती से लोगों को आकर्षित कर रही है। इस ब्रिज को देखने के लिए पर्यटक हजारों की संख्या में हर दिन वियतनाम आते हैं। इस वीडियो के जरिए आप इस पुल की विकराल ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हो, जहां से दूर तक सिर्फ प्रकृति और इसकी मनमोहक सुंदरता आपका दिल जीत लेती है। यह ब्रिज हाल ही में बीते हुए वर्ष 2018 के जून महीने में ही खुला है, और देखते ही देखते इस पुल की खूबसूरती को देखने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। यह खूबसूरत पुल मात्र दो हाथों पर ही टिका हुआ है। आर्किटेक्चर का यह कमाल धरती पर कम ही देखने को मिलता है। समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने इस पुल पर खड़े होकर जब आप उत्साह से भरे हुए प्रकृति को इतने पास से देखते हैं, तो लगता ही नहीं कि आप इस दुनिया में हो। वैसे तो इस पुल का असली वियतनामी नाम काऊ वांग है, पर पूरी दुनिया इसे गोल्डन ब्रिज के नाम से ही जानती है। इस पुल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए इसके चारों तरफ एक खास प्रजाति के फूल भी लगाए गए हैं। यह फूल इतने ज्यादा दुर्लभ हैं कि धरती पर बेहद कम जगह ही उगते हैं, और इतने ही खूबसूरत हैं जितने कि दुर्लभ। अगर आप वियतनाम में रह रहे हैं या वियतनाम घूमने जाने वाले हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में शामिल जरूर कर लें, बिल्कुल भी आप पछताएंगे नहीं। आज का लाइक टारगेट है 4000 का, कृपया इसे पूरा करने में हमारी मदद करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।